रहे सारी फैमिली, हम भी खुश है, काम कर रहे हैं, खेतों की कटाई चल रही है। जिसके जहाँ काटने के लिए हो तो आराम से काटो, जिसके नहीं है तो बढ़िया ऐश करो। और क्या, अब जैसे मैं हूँ तो तुम्हारे पास खेती नहीं है, खेत दिन तुम्हारे नाम पे आ जाएगी तो तुम खुद करने लगोगे। तो कब नाम करवा रहे? नाम तो करवाना ही पड़ेगा ना, तो जल्दी करवा दो। ठीक है माँ जी, हम चल रहे हैं। हम देखो इतने बिरवा उखाड़ लिए हैं, और ताजा ताजा तोड़ के बिल्कुल लाओगे ना तो और भी ज्यादा। ठीक है माँ जी, मैं जा रहा हूँ चंदला। सीताराम सेठ जी, वो कहाँ है पुनीतन का माल लेके जाना है चंदला? हाँ ठीक, चली जाएगी पिकअप की ना जी? पिकअप चली जाएगी। नंदनी गांव वाले घर से रोड वाले घर जा रही है पैदल। पैदल जा रही हो? अब शॉर्टकट में यहाँ से 5 मिनट लगता है पैदल जाने में। पिकअप हमारी वहीं पे दब गई है तो वो लेने जा रहा हूँ। ये वो रही देखो, वो खड़ी है। हाँ वो नील नील है। यहाँ घर है, यहाँ छत से इतनी जोर जोर से मेरे पापा गाली दे रहे थे कि वहाँ तक। तो भाई मुझे आ गया गुस्सा कि मैं पिकअप लेके आया हूँ, अब गप गई तो आराम से निकाल के मैं ले जाऊंगा, मुझे वो होना चाहिए, वो क्यों वहाँ से गाली देने लगे। अगर मिस्टर इंडियन हैकर के बाप इस तरह होते तो वो आज इतना फेमस नहीं होते, क्योंकि वो ने उसने भाई ने इतनी गाड़ियाँ तोड़ी हैं कि अगर मेरे पापा होते तो वो पगले आ जाता और नई गाड़ियाँ लाता है भाई, तोड़ देता है। आज तो ये पिकअप है, चलो मेरा पिकअप में ही सिस्टम हो गया। और अन्य कई काम होते हैं जिन कामों में लड़के बिज जाते हैं तो वहाँ पे नहीं टोकना चाहिए। जैसे कि लड़के अपने दोस्तों के साथ, कहीं लड़का हो और वो दोस्तों के साथ कुछ कर रहा है और फिर तो उसे वहीं तत्काल नहीं, उसे ऐसी तैसी उसकी कर देनी चाहिए, उसको घर आने देना चाहिए। वो देखो ट्रैक्टर आ गया पिकअप निकालने के लिए। अब कहोगे कि भाई यार इनका और आपका पापा का झगड़ा क्यों चलता है? छोटी सी बात है, पानी वानी निकालने के चक्कर में बताओ। अरे मिलके रहना चाहिए, जिंदगी मिलता है तो। तुम्हारे सामने वो पिकअप वाले ने फोन करके हमें से बात की थी ना, कह रहा था कि चाबी रख देना। बताओ यहाँ पिकअप गड़ गई, पापा हमारे वहां से गाली दे रहे थे, उस घर से छत से चढ़ के और तुरंत फोन लगा दिया। वैसे हम दिक्कतें फंसे हैं। पापा जी तुम्हारे नाराज हो गए तो होने का। ऐसा नहीं बात माननी चाहिए ना उनकी, माननी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं आना चाहिए अगर उनकी नई पटरी खाती है। पूरे देश के लड़कों को कहते हैं कि जो आपके पिता से झगड़ा वगड़ा चलता हो तो उनकी मदद वदत नहीं ज्यादा करिएगा, क्योंकि ज्यादा मदद करने से साहिब वे भी मजा करने लगते हैं। हंस करते हैं। सही बात है, ज्यादा थोड़ा बड़ा कष्ट रहेगा तो लैब में रहेंगे। स्टार से करेंगे ज्वाइंटिंग। चलिए स्टार्ट करें, हम निकालते हैं। तार सर के तो बता दे, ठाड़िया। ये यहाँ वहाँ आ जाते रहे, हम गेहूँ ले वो मटर बताऊते तो मैं वकने से ले जाता। मैं कहो यार खाली में चली जाई फिर वो तो भर के वहां से ले जाएगी। हैं ऐसा बेचारा मैं बनाऊ और तो सी खलिए में धर गई। टॉमी को बिठा दिया है पिकअप में, अब चलेंगे घर। टॉमी को लेके आ गए गांव वाले घर, इतने सारे बच्चों को भी लेके आए हैं। बताओ बच्चों कहां से लेके आए हैं? पीछे से। कम टॉमी, ये देखो हमारा डॉग। हर जाके बबुआ बन जा बनारस में पंडा मिसिर जी, तू ता बड़ा बड़ा ठंडा मिसिर जी। टॉमी कम। टॉमी को चलते हैं नहलाते हैं अपने घर में। सुनंदनी बहन देखो जा रही है पैदल रोड वाले घर, और कुछ लोग यहाँ से देख रहे हैं, काजल और ज्योति। टॉमी कम, टॉमी आजा आजा, काजल आजा आजा आजा, नहा ले आजा भाई। साधुराम भाई आजा, मुबारक है भाई आजा, इतना दे भाई बड़ी। साधुराम भाई आ रहा है वहाँ पे, वो
वर्षा पटेल ब्रश कर रही है, ऐसे ही सब करने लगते हैं। वहाँ काजल वो ज्योति डांस कर रही है। मिली ब्लॉग में, थैंक यू भाई। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक भाई। बयाना हो गया? हाँ, बयाना हो गया भाई। शादी बिचर गई? नहीं, अभी नहीं, शायद अगले वर्ष में होगी। इस वर्ष बन नहीं रही है। इस वर्ष मेरी तो हो रही है ना 18। हाँ, तो बारात चलेंगे ना धूमधाम से भाई। यार सही में यार, धूमधाम ऐसा चलना है कि भाई पूरा पूरा आग लगा देंगे एकदम। ज्यादा आग भी नहीं लगाना है, बढ़िया हिसाब से कर लेंगे, है ना। शहर के इलाके में कुत्ते राज करने लगे अगर, तो फिर जंगल जंगल तुम्हारे बाप का नहीं है, जंगल तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम राज करोगे, ठीक है। शेर है तो शेर राज करेगा, यहाँ कुत्ते नहीं। रुको, पहुंच लो पहुंच लो पहुंच लो, ऐसा। ये देखो टॉमी तुरंत पहुंच लेता है, नहलाया है ना उसको। ये देखो कैसे देखो कॉमेडी कर रहा है, वाओ खुश है वो नहा धो लिया ना। टाइम से आप भी नहाओ और आप भी ऐसे टॉमी की तरह खुश रहो। हम पहुंच गए छठी बोरी तिगैला, यहाँ से समोसा पैक करवा के अब भाई हम अपने घर का नियम टियम सब कुछ अपने हिसाब से कर देंगे। अपना अपना खुद का करो, जिनको करना है अपना अपना। फिर भूख लग जाती है ना, टाइम से खाना बना दें तो हम लोग खा लेंगे। हाँ। उनकी जिम्मेवारी है खाना बनाने की। हाँ। अगर ना बना के दें, जना कि इतने बड़े बूढ़ खाना नहीं बना के देते हो। हाँ। तुम्हारी जिम्मेवारी है लेडीजों की खाना बनाने की। रुको रुमा, मैं खाता हूँ। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये लोग अगर खाना नहीं देते ना बना के, भूख लग जाती है, करिया पड़ जाते हैं हम लोग, सब खाने की वजह से है। इंसान को खाना टाइम से मिलेगा तो चमकेगा। नहीं नहाया होगा, झूठ बोल रहे हो। आए झूठ बोल रहे हो। आए क्रिस, नहाया है? ठीक है, तो अगर नहा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम आराम खा लो समोसे, मजा आ रहा है। जब खा लेना तो रखे रहने देना वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, बच जाए ना। हो वीडियो को लाइक तो करवा दो। कितनी जल्दी क्रिस बोलता है लाइक करो। जा रहा हूँ पढ़ने, तुम भी आ जाना पढ़ने, साथ में सोएंगे। हम सो के अभी अभी जगे हैं, हम और क्रिस जा रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए जूस लेके आ गया। ले वो देखो कृष्णा, ले खाना बना दिया कि नहीं बनाया अभी तक? बना दिया। 3 बज गए हैं, मैं सोचा नहीं बनाया हो। क्या बनाया है? ले आओ खाना, फिर ले आओ, तो सब्जी रोटी है तो ले आओ। आप क्यों सुना नहीं कहा? जैसे कृष्णा रो बता रहा हो क्रिस का। ले पीता रहो, ले या पी या मम्मा यही तो पी ले। अरे मैं खाना खा रहा हूँ। पेप्सी पी लो, आम का जूस लाया है भैया। ए पटेल जी कालू मजा कर क्या? कालू मोटरसाइकिल गाड़ी का इंजन में तो देख रफ्तार। कैसा रहा भैया? मुझे तो बहुत जोर का जो खाम हो गया था, मेरी थोड़ा
तो मैं नहीं जा पाया उसमें मंत्री जी के उसमें बहुत बढ़िया जय श्री राम जी की यात्रा में। तो उसमें पर हमारे संतोष भैया कितने दिन लगे भाई यात्रा में? 3 दिन में हो गई पूरी। और कैसा रहा सफर? बढ़िया। कितने लोगों की यात्रा थी? 1000 लोगों की। 1000 आदमी था। देखिए 110 किलोमीटर का सफर चंदला से लेके चित्रकूट धाम तक हमारे क्षेत्र के विधायक दिलीप अहिरवार और मंत्री में क्या है पर्यावरण मंत्री अभिदेव और आगे बढ़ो। और क्षेत्र के जितने भी नौजवान लोग हैं वो भी आपका सहयोग दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। और हमारे बड़े भैया तो गए ही थे, कुछ और भी गांव का काम है निकलवाइएगा, ये खुद बताएंगे अगली वीडियो में। अभी तो आए हैं तो सबको जय श्री राम। जय श्री राम। देखते हैं कि हमारे घर कौन आया है, कोई आया है, कार खड़ी है। हम शिव नंदिनी कौशल्या को लेने आए हैं। गुड़गांव से आई है फैमिली निमंत्रण में। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया बोलोगे आप? जय श्री राम बोलोगे? जय श्री राम। ये तो हमारा गांव के आ भैया। और ये गुड़गांव से? पानी वानी पिला दिया? यहाँ बैठो आप कुर्सी में, हम बैठ गए हैं, आप वहाँ बैठो। जाओ बहना बैठ जाओ। ठीक है फिर तो।